सुबह की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ मिक्स वेज दाल। इसको पंचमेल दाल भी बोलते हैं, पंचरत्न भी बोलते हैं। ये रोटी चावल सबके साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसको मैंने किस तरह से बनाया है चलिए देखते हैं। तो पंचमेल दाल बनाने के लिए हमें चाहिए 5 तरह के दाल। आप चाहे तो इसमें राजमा भी यूज कर सकते हैं, एक दाल हटा करके इसमें आप राजमा यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है यहाँ पर राहर दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चना दाल और लाल मसूर की दाल। आप चाहे तो अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं उस हिसाब से आप दाल का क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम दाल को अच्छे से धो लेंगे, सारा दाल मिक्स कर लेंगे। और इसको अच्छे से पानी से धो लेंगे। दाल को अच्छे से धो लिया है, अब हम कुकर में इसको डाल देंगे। तो दाल को मैंने कुकर में डाल दिया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी दाल के हिसाब से 1.5 गुना पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। अभी इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी। यहाँ 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी, क्योंकि हमें इसमें अभी मसाले डालने हैं। जब हम दाल फ्राई करेंगे तो इसमें और अधिक मसाले पड़ेंगे, इसलिए इसमें भी हम नमक की मात्रा भी कम रखे हैं और हल्दी का मात्रा भी आधा चम्मच ही रखे हैं। अब इसको हम गैस पर चढ़ा के बॉईल कर लेते हैं। चढ़ा दिया है और इसको हम 4 सीटी लगाएंगे। हो गए हैं, देख लेते हैं। दाल हमारा अच्छे से देखिए बॉईल हो गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर, दाल को तड़का लगाने। तो गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। आप जो भी ऑयल यूज करते हैं वो यूज कीजिए। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे और साथ ही इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे। जीरा लाल हो गया है, इसमें हम 2 मीडियम साइज के प्याज काटे थे वो डाल देते हैं। इसको अच्छे से चला लेंगे। साथ इसमें हम 2 खड़े लाल मिर्च डाल देंगे और दालचीनी का टुकड़ा 2 और एक बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को इस तरह से हम छील करके इसका दाना निकाल लेंगे। इस तरह से दाना निकाल लेंगे बड़ी इलायची का। अब इन सबको अच्छे से चला लेंगे। तो प्याज हमारा देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम अदरक डालेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कद्दूकस किया था अदरक को, वो डाल देते हैं। साथ ही हरी मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर को हम थोड़ा सा मुलायम होने तक भून लेंगे। देख सकते हैं कि टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, क्योंकि शुरुआत में भी मैंने हल्दी डाला था, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपना जितना आप तीखा खाते हैं पसंद करते हैं उसी हिसाब से लाल मिर्च पाउडर डालिएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। नमक भी मैंने शुरुआत में डाला था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम दाल जो बॉईल किए थे वो डाल देते हैं। इसमें कुकर से पलट दिया है कढ़ाई में। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब इन सबको डाल के बस 2 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर दाल आपको ज़्यादा गाढ़ी लग रही है तो
तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, वरना तड़के वाली दाल तो ऐसे ही अच्छी लगती है। दाल हमारा अच्छा तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं और एक बाउल में दाल को निकाल लेते हैं। तो मैंने बाउल में एक निकाल लिया है दाल को। आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा इसका कलर आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.